गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स वेलकम यू ऑर यू आर वॉचिंग अजय ब्लॉग ब्लॉर चनल एंड दिस इज एंड टूडे वी वो नॉट डिस्कस अबाउट नैचुरल गैस के इंटरडेट लेवल्स क्या रहेंगे क्लोजिंग क्या रहेगी रिस्क मैनेजमेंट क्या रहेगा किस तरीके से हम रिस्क मैनेज करेंगे हेजिंग कैसे करेंगे हेजिंग स्ट्रैटेजीज क्या है ठीक है ना क्लोजिंग कैसी रहेगी नेचुरल गैस की इंटर डेटी पोजिशनल ट्रेड क्या रहेंगे नेचुरल गैस के नैचुरल गैस में कौन कौन सी न्यूज आई है नेचुरल गैस का टेक्निकल चार्ट क्या कहता है ये सारी डिटेल्स आपको सिर्फ एक वीडियो में मिलेगी तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों ये बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना ना बोले अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे अगर आपने ऑल दबा दिया तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए मैं जितना कोशिश शॉर्ट करने की करूंगा उतना मैं करूंगा दोस्तों राइट तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले तो लोग मुझसे पूछ रहे कि सर नेचुरल गैस इतना ऊपर तो दो क्यों गया कल तो देखिए दोस्तों मैंने व्हाट्सअप ग्रुप में भी बताया था कल हमारी स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन भी हुआ था उसमें भी मैंने बताया था आपको कि ये ऑप्शन स्ट्रेटजी के थ्रू हुआ है ऑप्शन एक्सपायरी आ रही है तो जब भी एक्सपायरी आती है उसी की वजह से होता है इसीलिए फिर मैंने कल आपको स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन में क्या बोला था मैंने दोस्तों पे मैंने बोला था कि नीचे आएगा ये सिक्स पॉइंट एट जीरो जाने के बाद ये नीचे आएगा और देखिए अभी तो आप देखिए से कितना होता है पॉइंट थ्री मतलब मुझे लगता है कि आराम से पांच से छह परसेंट का हमको फायदा हुआ ठीक है ना तो ये मैंने कल लाइव ट्रेडिंग सेशन में बोला जो मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है ठीक है ना उनको पता है कि मैंने ये बोला था और उसके बाद उन्होंने अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया दोस्तों राइट क्योंकि मुझे पता था कि ये जब एक्सपायरी के टाइम है ना ये गेम खेलते हैं और ये ऐसा होता है इसलिए मैंने उनको पहले से ही सतर्क कर दिया था अब मैं बताता हूँ आपको देखो सबसे पहले तो मैं न्यूज बता देता हूँ यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूज है नहीं दोस्तों मैं आपका ज्यादा टाइम लूंगा नहीं देखो देखो यहाँ पे एक न्यूज निकल के आ रही है देखो पूरा नाइनटी जो मार्केट है यूरोप का जो रशिया से डिपेंड था वो सब हट गया है सिर्फ टेन परसेंट मार्केट एल का रहा है वो भी आने वाले टाइम में हट जाएगा तो रशिया बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा यूरोपीय कंट्रीज से हालांकि वो एशियन कंट्रीज में जा रहा है लेकिन दोस्तों इससे दिक्कत है एशियन कंट्रीज पुअर कंट्रीज होती है यहाँ आपको ज्यादा पैसा नहीं दिया जाता अगर मैं एक चीज़ बोलूँ की आप भारत में आके व्यापार कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया का कोई प्रोडक्ट आप महंगे दामों में बिके तो ही नहीं आज भारत में चाइनीज माल क्यों बिकता है क्योंकि चाइनीज माल इसलिए बिकता है क्योंकि सस्ता होता है टिकाऊ का किसको पड़ी हुई है सस्ता माल है तो चल गया इंडिया में राइट right? तो इसीलिए यूरोप में महंगे माल बेचता है रशिया महंगी प्राइस पे तो उनको अच्छा खासा फायदा होता था चलिए बात कर लेते हैं देखो यहाँ पे फ्लोटिंग प्रोजेक्ट बूम एज यूरोप रेसेज टू स्टॉक अपन गैस ठीक है ना यूरोप तो नेचुरल गैस को दबा रहा है मतलब दबा दबा के ले रहा है दबा दबा के ले रहा मतलब जेब में भरे जा रहा है यू नो जेब फुल हो गई तो भी भरे जा रहा है यही हो रहा है देखो यूरोप इज द मेन ड्राइवर इन द सोरिंग डिमांड फॉर द प्रोजेक्ट्स आप सब लोग बोलते थे ना कि यूरोप में एनर्जी क्राइसिस मैंने इसलिए बोला है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इज समथिंग विच यू कांट अंडरस्टैंड राइट यू डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज आपको हमेशा ये न्यूज आ रही है यूरोप एनर्जी क्राइसिस हो रहा है देखिए यहाँ पे इन्होंने इतना दबा दिया इतना जमाखोरी इन्होंने कर ली है कि जो दूसरे मार्केट में है वहां पर नेचुरल गैस नहीं रही समझ रहे हो आप मेरी बात ठीक है ना क्योंकि यूरोप को भी पता था देखो सब हर कंट्रीज चाला के, नो आपको लगता है कि चाइना ही कर दी है सब कंट्रीज यूरोप हमने भाई पचास साल शासन किया है इंडिया पे तो वो भी एक कोई छोटा मोटा गेम तो नहीं खेल ना तो वही चीज हो रही दोस्तों यहाँ पे एल प्रोजेक्ट को भर भर के लिया जा रहा है सब लोगों ने दबा दबा के रख लिया है जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है इंडिया हो चाइना हो यूरोप हो अमेरिका हो रशिया के पास तो है ही इन सब कंट्रीज ने दवा सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसका बढ़ा है जो गरीब कंट्रीज है बेचारे अफ्रीकन कंट्रीज है ये जो गरीब कंट्रीज है उनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है तो मैं अब आपके चार्ट पे आ जाता हूं देखिए इन चीजों का क्या फर्क है ये चार्ट पे क्या फर्क पड़ने वाला मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कल अगर आपने ये मिस कर दिया है मैंने कल लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी बोला था हमारा लाइव ट्रेडिंग सेशन होता है साढ़े आठ बजे रात को और एक स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन होता है जो मेरे यूट्यूब मेंबर्स के लिए होता है उनके लिए भी मैंने लाइव सेशन किया तो मैंने वहाँ क्लियरली बोला था यूट्यूब लाइव सेशन में सिक्स पॉइंट के नीचे शॉर्ट करना है उन्होंने करके गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी मैंने पहले वीडियो में बोला था जितना ऊपर जाए उतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमने करके आज साढ़े का मुनाफा

वन डे का चार्ट डाउनलोड बता रहा है वन वीक का चार्ट क्या कह रहा है हम्म ओके क्वाइट इंटरेस्टिंग हो गया तो गाइस यहां पे मुझे क्लियर कट दिख रहा है अगर ये यहां से ध्यान से सुनिएगा दोस्तों अगर 6.41 के नीचे जाता है 6.41 भी नहीं दोस्तों 6.42 मानिए अगर ये 6.42 के नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि इसमें जो इसमें अकाल पड़ जाएगा 6.42 के, तो के, के नीचे जाता है तो आपको मुझे लगता है इमीजिएटली 6.32 के लेवल्स दिख सकता है ठीक है अगर ये 6.42 के नीचे जाता है तो ओन ऑन ऑल मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट टर्म में हम क्वाइट बीरिश होने जब ये 6.8 पे भी था तब भी मैं बहुत बीरिश था ठीक है ना मैंने पहले ही बोला था और मैंने बिरिश होने के बाद हमने कम से कम छह परसेंट का मुनाफा कमाया लेकिन मैं अभी भी, भी बिरिश हूँ लेकिन लेवल्स हमारे क्या रहेंगे अगर अगर के 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 नीचे 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 ये सस्टेन करता फॉर एटलीस्ट मिनट्स तो वहाँ पे आपको अपसाइड आप के, के जो डाउन के लेवल्स है वो आपको दिखेंगे के ठीक है ना ऊपर की साइड बता देता हूँ आपको ठीक है ना ऊपर की साइड क्या लेवल्स रहेंगे देखिए वन वीक का चार्ट देख लेते हैं वापस से देखिए ऊपर की साइड तब तक नहीं इसमें कोई ट्रेंड नहीं बन सकता जब तक दोस्तों ये सिक्स पॉइंट फाइव फोर को क्रॉस ना करे वापस से कब सिक्स फोर को क्रॉस ना करे तब तक किसी तरह का इसमें कोई भी अपसाइड लेवल्स नहीं देखा जा सकता दोस्तों जब तक ये सिक्स पॉइंट फाइव फोर को क्रॉस ना करे जो कि बहुत दूर है अभी राइट तो अगर सिक्स पॉइंट फोर सिक्स से सिक्स पॉइंट फाइव टू के बीच में ट्रेड करता रहता है तो आपको कुछ नहीं करना है वेट एंड वॉच करना है लेकिन अगर सिक्स पॉइंट फोर टू के नीचे चला जाए तो आप मैं क्या कह सकता हूं डाउन साइड के आपको लेवल्स देख सकते हैं और वही अगर ये 6.54 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो फिर आपको अपसाइड के लेवल्स देख सकते हैं राइट तो ये है हमारे इसके इंटरनेशनल मार्केट के इंट्राडे लेवल्स शॉर्ट टर्म अगर आप मुझसे एक मोमेंटम uh, चाहते हैं कि आप अजय भाई बताइए शॉर्ट टर्म में क्या है तो शॉर्ट टर्म में दोस्तों क्वाइट मैं अगर आपको बोलूँ कि छह के नीचे भी मुझे लेवल्स मिल सकते हैं दिसंबर एक्सपायरी में डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि छह के नीचे भी आपको लेवल्स दिख सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए इतना डाउन होना है क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत आपको पता है तो यहाँ फ्लक्चुएशन छह या सात का बड़ा नॉर्मल होता है कोई दिक्कत नहीं होती उसमें राइट इसको अब बात कर लेते हैं हमारे इंडियन मार्केट की क्योंकि काफी लोग तो इंडियन मार्केट पे भी फोकस करते हैं तो इंडियन मार्केट का चार्ट ढंग से देखा जाएगा दोस्तों मैं चार्ट देख रहा हूँ लेकिन आपको एक चीज बताता तो, हूँ यहाँ पे देखिए देखो आप कितना फायदा यहाँ पे साढ़े तीन परसेंट का ही हुआ क्योंकि कल क्या हुआ था कि कल इंडियन मार्केट ज्यादा गिरा था ठीक है ये देखो पांच सौ पे गया दोस्तों यहाँ पे अब ध्यान रखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रिगर हो गया है

तो और सस्टेन कर जाता है दो मिनट के लिए तो दोस्तों यहाँ पे मुझे वापस से आपको 521 के लेवल तो शॉर्ट शॉर्ट आते हुए दिखाई दे रहे और फिर अगर 519 को 19 को क्रॉस कर जाता है तो फिर मुझे लगता है कि आपको वापस से 510 के लेवल भी दिख सकते हैं तो अगर पाँच के नीचे सस्टेन करता है minutes, that, uh, 522 easily, 521, 522, right. उसके बाद अगर पाँच सौ उन्नीस के नीचे जाता है लेवल्स एज वेल

वापस से 540 के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है बाकी मैं आपको व्हाट्सअप पे गाइड करता ही रहूंगा दोस्तों राइट ठीक है ना तो दोस्तों ये तो शॉर्ट टर्म में अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे इसके डेफिनेटली 500 के नीचे के लेवल्स मिल रहे हैं मेरे को 475 के लेवल्स दिख रहे हैं मेरी आंखों के सामने लेकिन ये जो एक्सपायरी का खेल है पहले इसको एक्सपायरी का खेल करने दो जितना खेल करना है ठीक है ना इतना जितना खेला खेलना आप करने दो अब हेजिंग की बात आ जाती है तो दोस्तों यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है देखो अब मैंने आपको दो तरह के लेवल्स दिए क्या दिए बोला कि 532 के नीचे तो 527 करता नीचे सस्टेन कर जाता है और आपने पे नीचे की में लेवल्स बना लेकिन से रिवर्स ऊपर चला जाता तो फिर आपको क्या करना है फिर आपको वहां पे देखो एसएल नहीं रखना यहां पे यहां पे एसएल की जरूरत नहीं है ठीक है ना एसएल होते ही है आपको लॉस करवाने के लिए ठीक है ना यहां पे क्या करना है 532 पे आपको हेजिंग करनी है हेजिंग कैसे करेंगे 532 पे आप लेवल लेंगे बाई का क्योंकि आपका दोनों कॉल आप ही है ना पांच सौ बत्तीस के ऊपर बाय रहेगा पांच सौ सत्ताईस के नीचे तो अगर वहां से रिवर्स हो जाता है तो उस फाइव ट्वेंटी सेवन वाली जो कॉल है शॉर्ट है जो है आपने की अगर की है तो उसको एज इट इज रखना है और फाइव थर्टी टू पे बाय कर लेना तो उससे होगा क्या उसका नो प्रॉफिट नो लॉस स्ट्रेटेजी में आप चले जाएंगे लेकिन अब क्वेश्चन पूछेंगे सर इसमें तो फायदा क्या हुआ अरे फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी तो नहीं हुआ आपको तो नुकसान हो रहा था पांच सौ सत्ताईस के नीचे आपने जो कर लिया था वो आपको नुकसान हो रहा था ना तो अगर आपका नुकसान नहीं हो रहा तो वो भी एक फायदा है ना राइट प्लस अब जब पांच के ऊपर आप ट्रेड करते हैं तो आपको पता है नेचुरल गैस में हमेशा बोलता हूँ पृथ्वी की तरफ है राइट ये वापस से आपको जो क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो हम बी ही है ना तो अभी आप कंपाउंडिंग ऊपर कमाइए फिर वापस से शॉर्ट टर्म में सेमको पता है पांच के नीचे आने वाला तो जब शॉर्ट टर्म पाँच सौ नीचे आएगा तब तो पांच में आपको मिलेगा तो ये इस तरीके से विन विन कंडीशन वाले लेकिन इस स्ट्रेटेजी के लिए हमको है ना कम 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 से कम तीन से से की जरूरत होती है दोस्तों क्योंकि एक लोट में आपको पता है आप लोट कैसे करेंगे हेजिंग एक लोट में कर ही नहीं सकते मिनिमम दो लोट तो चाहिए ही चाहिए उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है और लेकिन अगर आपके पास चार लोट होते तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से खेल सकते हैं क्योंकि हमारी जो मार्जिन ऑफ एरर होता है ना वो बहुत कम हो जाता है मार्जिन ऑफ एरर हम बिल्कुल हटा देते हैं उसमें सिर्फ थोड़ी बहुत रिस्क रहती है हमें तो और वही तो हमें चाहिए राइट तो ये स्ट्रेटेजी हम पिछले चार महीने से दोस्तों वीडियो इंप्लीमेंट कर रहे हैं लाइव इंप्लीमेंट करते हैं हम अभी वीडियो में भी अभी अभी देखेगा लेवल्स मैंने आप भी, भी बताएं आपको राइट दो लेवल्स बताएं आप वो हैचिंग करके दे, देख सकते हैं ये मेरा एक दोस्तों मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि ये डिस्क्लेमर दे चुका हूं। ये एक एजुकेशन चैनल है मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि क्या क्या स्ट्रैटेजी हम अपना सकते हैं ताकि हम अपने आप को सिक्योर करें ठीक तो दोनों दोनों दो, दोस्तों लेवल मैंने दे शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव मैंने बोल दिया आपको कि मैं आ, बहुत ज्यादा बीरिश हूँ इस मार्केट में लेकिन ऑप्शन का गेम अभी चलता रहेगा दोस्तों ऑप्शन का गेम आपको ऑब्जर्व करना है ऑप्शन के गेम में भी हमने तो कल कमाया कल हमने पांच सौ सिक्स पॉइंट मैंने Uh, काफी लिया था मैंने स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन में बोला था कि 6.80 इज द बेस्ट वे यहाँ पे आपको डाउन साइड मिलेंगे और देखिए अभी 6.47 पे चल रहा है मतलब इमेजिन करिए कितना ज्यादा यू नो तो अभी जो ये रशिया यूक्रेन दोस्तों गोल्डन टाइम है सीरियसली बता रहा हूँ गोल्डन टाइम इसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं क्योंकि इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन बाद में नहीं होने वाला जब कंडीशन स्टेबिलाईज होगी सो दैट इज अ गोल्डन चांस टू ऑन द मनी राइट सो प्लीज डू योर ऑन रिसर्च तरीके से रिसर्च करिए लॉजिकल एनालिसिस करिए अपनाइए, हेजिंग करिए रिस्क मैनेजमेंट करिए बी अ जेन्यून ट्रेडर अगर आप जेन्यून तरीके से ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली पैसा बनेगा कैसे नहीं बनेगा सो विद इस नाइसफुल थॉट दिस इज अजय एंड साइनिंग ऑफ